हेलो गाइस, क्या आपको पता है कि हम हाइड्रोजन को घर पे भी बना सकते हैं? और मैंने भी कई सारी वीडियोस यूट्यूब पे देखी, तो पहले मुझे बिलीव नहीं हुआ कि हम हाइड्रोजन को घर पे बना सकते हैं। कितना इंटरेस्टिंग है ये, तो मैंने भी उसके लिए एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ और देखते हैं कि ये सक्सेसफुल होता है कि नहीं। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना फुल इन्फॉर्मेशन के लिए। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो हमें ज़रूरत है कुछ सिंपल कंपोनेंट्स की। हमने चार ब्लेड ले लिए हैं और चार में से दो ब्लेड पर एक वायर कनेक्ट करेंगे और दो पे एक करेंगे, और इन पे इनके बीच में टेप लगा ली है कि ताकि आपस में कनेक्ट ना हो पाए, और इनको अच्छे से टाइट कर लेंगे। और दो वायर देख सकते हैं मैंने कनेक्ट कर ली है। ये मेक श्योर करेंगे कि आपस में शॉर्ट ना हो, और इसके लिए मैं एक बार मल्टीमीटर से चेक कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि ये आपस में कनेक्ट नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो हमारा HHO जनरेटर रेडी है और हमें ज़रूरत है इलेक्ट्रोलाइट की, तो हमने यूज़ किया सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पे हम सॉल्ट भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर रहे हैं। हमें इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी की ज़रूरत है, और लगभग 5 ग्राम के आसपास हम इसको यूज़ करेंगे, और फिर इसको अच्छे से हम वाटर में मिक्स कर लेंगे। ये रिएक्शन हम सभी ने बचपन में पढ़ी होगी, जो हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उसमें हमें इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत होती है। हम ऐसे नॉर्मल वाटर में इस प्रोसेस को नहीं कर सकते, तो हमने इसलिए यूज़ किया है यहाँ पे। और हम इसको अच्छे से टेप से सील कर लेंगे कि ताकि जो हमारी गैस है वो लीक ना हो। तो गाइस, इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हमें चाहिए होती है पावर सप्लाई की, और वो भी DC करंट चाहिए होता है गाइस हमें इसके लिए। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक लैपटॉप का चार्जर, और इसमें हम 12 वोल्ट की बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने पावर ऑन कर दी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी हाइड्रोजन जनरेट होने लगी है। ये छोटे छोटे बबल्स आप देख सकते हैं, कितना अमेजिंग लग रहा है। मैं भी शायद आप इतना क्लियरली ना देख पा रहे हो वीडियो में, और अब मैं इसको टेस्ट करूँगा। वो गाइस, आप देख सकते हैं कितनी खतरनाक साउंड कर रहा है, बॉम्ब की तरह बिल्कुल। और आप सुन पा रहे हैं पॉप साउंड, इससे पता लगता है कि हमारी हाइड्रोजन गैस जनरेट हो रही है, और काफ़ी फ्लेमेबल गैस है गाइस, इंटरेस्टिंग है। वाह, तो गाइस अब मैं इसके ऊपर एक ढक्कन लगा दूंगा ताकि इस गैस को कलेक्ट कर सकें, और मैंने साइड पे टेप भी लगा दी है ताकि हमारी गैस लीक ना हो, पर ये फिर भी हमारी गैस साइड से लीक हो रही है। ओ! बिल्कुल बॉम्ब की तरह फट रहा है गाइस, काफ़ी अमेजिंग एक्सपेरिमेंट है वैसे ये, पर हमारा ये लीक हो रहा है तो इस कारण हम गैस को स्टोर नहीं कर सकते अभी। और पर ये हमारा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल होता है। और ये क्या हो गया भाग भाग भाई। ये देखिए, पूरा का पूरा ब्लास्ट हो गया है। ये काफ़ी ख़तरनाक एक्सपेरिमेंट रहा गाइस, देख सकते हैं कितना डेंजरस एक्सपेरिमेंट है, और ये हमारा पूरा का पूरा ब्लास्ट हो गया है। एक्सपेरिमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ, और काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था, और काफ़ी डेंजरस भी। तो गाइस, इस एक्सपेरिमेंट को प्लीज़ घर पे ट्राई ना करें, बहुत डेंजरस हो सकता है और हार्मफुल भी।
और हमारी हाइड्रोजन जनरेट हुई और आपने देखा ये एक्सप्लोड हो गया, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। और मुझे पता है कुछ लोग फिर भी इसको ट्राई करने की सोचेंगे, और आप करते भी हैं तो सेफ्टी का ज़रूर ध्यान रखिएगा गाइस, ये बहुत ही फ्लेमेबल गैस है। तो गाइस आपके मन में भी शायद ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये इतनी सिंपल टेक्नोलॉजी है तो ये हमारी जो गाड़ियां हैं उसमें क्यों यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद पता चला कि जो हमें 1 लीटर से पानी से जो हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है वो लगभग 111 ग्राम मिलती है, और हमें एक बाइक या कार का जो टैंक फुल करने के लिए लगभग 45 लीटर्स पानी की ज़रूरत है। तो काफ़ी बड़ा स्पेस चाहिए, और जो जनरेटर चाहिए उसके लिए भी काफ़ी बड़ा स्पेस चाहिए, और इसको कंप्रेस करने के लिए भी हमें कंप्रेसर की ज़रूरत है, और ये काफ़ी फ्लेमेबल गैस है तो उसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए। तो अभी तो ये पॉसिबल नहीं है कि इसको हम गाड़ियों में सेट कर सकें। हो सके तो फ्यूचर में हमें देखने को मिले जो गाड़ियाँ हैं मार्केट में वो हाइड्रोजन से चले, और काफ़ी अमेजिंग टेक्नोलॉजी है। वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कोई क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो से भी बनाऊंगा। और गाइस इसी तरह इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइस।